नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा है, जेवरोनिक से मंगवाया है, जिसका अनबॉक्सिंग किया था। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि यहाँ पर आरजीबी लाइट जलता है, इसमें आरजीबी लाइट नहीं जल रहा है। इसमें आरजीबी लाइट नहीं है, सिर्फ बूफर में आरजीबी लाइट काम कर रहा है। तो आज हम इसका कनेक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट दिए गए हैं, आर है, राइट, लेफ्ट, एफ आर और एफ एल, आर आर, आर आर। तो कनेक्शन में हम आपको बताएंगे कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर लगाना है। तो ये जो मोबाइल से जो चार्ज होगा, मोबाइल से जो ये स्पीकर बजेगा, मोबाइल से जो कनेक्शन होगा, उसके लिए हम यहाँ राइट और लेफ्ट का यूज करेंगे। यहाँ राइट वाले में राइट लगाएंगे और ये लेफ्ट वाले में लेफ्ट लगाएंगे। इसका ये हो गया मोबाइल से जो कनेक्ट होगा उसके लिए, इसका कनेक्शन हो गया। और बाकी जो चार स्पीकर बचे हैं, देख सकते हैं ये चार स्पीकर जो बचे हैं उसके लिए इसमें कनेक्शन करना है। नीचे के चारों में पोर्ट में चार स्पीकर का कनेक्शन कर देना है। देख सकते हैं इस तरह का चार स्पीकर है और चार में इस तरह का कनेक्शन कर देना है। इसका कनेक्शन इसका पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर बटन दिया गया ऑन ऑफ का। यहाँ से पावर ये पावर कोड में पावर देने के बाद इसको ऊपर रखना है तो ये ऑन हो जाएगा। और रही बात इसका कनेक्शन करने का, तो कनेक्शन आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इनपुट है, इसे एक बार प्रेस करेंगे तो एफएम बजेगा, उसके बाद फिर प्रेस करेंगे तो बीटी लिखा आएगा, तब ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। और एक बार और प्रेस करेंगे तो ऑक्स आएगा, तो ऑक्स केबल, ये ऑक्स केबल से मोबाइल से ये बजेगा। यहाँ प्ले बटन है, यहाँ पर प्रीवियस है, नेक्स्ट है, ये वॉल्यूम कम बेसी करने का है। इसमें बता देते हैं बास कंट्रोल करने का नहीं है, बास ऑटोमेटिक है। ये सिंगल रूम के लिए सफिशियंट आवाज़ कर देता है, लेकिन आउटडोर में थोड़ा आवाज़ आपको कम लग सकता है, लेकिन इनडोर में आवाज़ इसकी ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल और लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।